जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मेरी समझ में सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना संभव है। बस मुख नाम की ओट लई है, विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वोत्तम भाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे दो घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्ध हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यों भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम बात है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते। दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूली लेने के लिए दौड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की नम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ, सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे तीन काम करने चाहिए, भगवान का नाम जप, दूसरा बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग और भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीनों न हो तो दो करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला महान फल देने वाला भगवान का नाम ही है और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरि नाम। श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही
सब पाप मर जाएंगे। और यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है कि हारे को हरि नाम, और आपसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छूटने में वह पूरा समर्थ है। सारे पाप तापों से छुड़ाने में नाम के अंदर पूरा सामर्थ्य है। जय श्री राधे। सुमिरन कर ले श्री राम नाम, दिन नीत बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले श्री राम नाम, सुमिरन कर ले श्री राम नाम, दिन नीत बीते जाते हैं। दिन नीत बीते जाते हैं, दिन नीत बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले श्री राम नाम, सुमिरन कर ले श्री राम। जैसा मीठा लगे बताशा, जैसा मीठा लगे रे बताशा, मूरख फंसा मोहती पासा, मूरख फंसा मोहती पासा, क्या राखे श्वासों की आशा, कर ले श्री राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं, दिन नीके बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। तुम हो कौन तुम्हारा, जिनके
पछिताते हैं, अब सोच समझ पछिताते हैं, दिन नीचे बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले श्री राम नाम, सुमिरन कर ले श्री राम नाम, दिन नीचे बीते जाते हैं, दिन नीचे बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले श्री राम नाम, ये संसार स्वप्न की रचना, ये संसार स्वप्न की रचना, ये संसार स्वप्न की रचना, समझ चले ना तन भी अपना।